हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनिकेत गीता ब्लॉग में। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं किसी भी चीज़ से। हम लोग यूट्यूब में वीडियो तो बना ही रहे हैं दोस्तों, यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, लेकिन अच्छा खासा हम लोगों को सब्सक्राइबर तो मिल ही जाता है, लेकिन व्यू आगे चल के और रुक जाता है दोस्तों। इसलिए थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, इस वजह से कोई भी काम करने का मन नहीं करता है और दिमाग वगैरह काम नहीं करने लगता दोस्तों। तो आज हमने कहीं भी कोई काम करने नहीं गए दोस्तों, और बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान रहे, लेकिन सोचे जो वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन अंतोगत्वा अभी हम वीडियो बना रहे हैं। टाइम हो गया है ज़्यादा, रात का समय है, 8:30 हो रहा है दोस्तों। तो गीता जी कुछ खाना वगैरह जो है वो बना रही हैं, और हम जो हैं वो वीडियो बनाए हैं। राखी देखिए बन के तैयार है, और कई हजारों भाइयों के लिए, हाँ कितने हजारों भाइयों के लिए बने हुए हैं ये राखी। और ये राखी एक तरह से टांग के रखते हैं और पूरा गिना हुआ रहता है, 12-12 का एक लच्छा होता है। ताकि ये मतलब, और ये देखिए बनाने वाली हैं, ये देखिए बना रही हैं। कितना सुंदर, अति सुंदर भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। हाँ ये देखिए बना रही हैं गीता जी, ये राखी जो है वो देखिए कैसे होता है। इसका मटेरियल जो होता है वो इस तरह से कटा हुआ आता है, और मोती इस तरह से होते हैं, और ये धागा कटा हुआ रहता है, ये मोतियों की लड़ी रहती है, और ये देखिए मोतियों की लड़ी लगी रहती है। और ये ऐसे पैकिंग है मोती की। हाँ थोड़ा नजदीक से दिखा दो। हाँ इस तरह से मोती के, ये चाइनीज मोती होते हैं, चाइना से बन के आते हैं, और ये दे देते हैं इनको बनाने के लिए। इनका पर पीस का हिसाब होता है बनाने का। अभी कोई जल्दी नहीं होता है, अभी तो बाहर बाहर में राखी ले जाती है, तो अभी जल्दी का डिमांड होता है, तो आराम से बनाते हैं, जितना मन हुआ उतना बना लेते, नहीं मन हुआ छोड़ देते। ये देखिए अब ढेर सारा हमारा गेंदा का फूल जो है वो ज्यादा बढ़ गया है, एक किसी में 4 हो गया है, एक में 3 हो गया है। ये देखिए ये नज़दीक से देख सकते हैं, ये इस तरह से आया है दोस्तों। ये देखिए, गेस कीजिए क्या है ये। ये है बेसन, इसको मैंने आटे की तरह गूंद के छोटे छोटे लोई बना करके और लंबा पीसेस बना दिए हैं। इसको पानी में उबाल कर कर करके, और मैं छोटे छोटे सोयाबीन की बड़ी की तरह पीस काट काट करके इसको ग्रेवी बना कर करके, और ये बनाऊंगी मैं आज मिठे की सब्जी। राजस्थान की फेमस सब्जी होती है। ये देखिए नजदीक से, ये बेसन का बना रखी है इसको, और उबाल दिए जी। उबालूंगी इसे पानी में, अभी उबाला हुआ नहीं है, इसको पानी में बॉयल किया जाएगा, जैसे मोमोज को बॉयल किया जाता है, और उसके बाद इसको काटा जाएगा पीस पीस, और उसके बाद बनाया जाएगा। छोटे छोटे टुकड़े में काट दूंगी इसको, और ग्रेवी इसको तेल में फ्राई कर कर करके और मसाले की ग्रेवी बना कर करके। दोस्तों आ गया है मेरा रोटी और सब्जी, जो अनोखा सब्जी बना है वो सब्जी आ गया है दोस्तों। ये हाँ ये आप देख पा रहे हैं, और इसको अभी हम खा करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं। इस प्रकार का लगता है दोस्तों, तो बहुत ही उम्दा किस्म का लगा, और खा करके आनंद आ गया दोस्तों। ऐसा हमने पहले कभी नहीं खाया, ये पहली बार ये बनाई है अनोखा सब्जी, खा करके बहुत आनंद आ गया दोस्तों। आप लोग भी इस तरह के खाना बना करके और खा करके देखिए दोस्तों कैसा लगता है, और कमेंट में बताइए। ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं दिल्ली की ये स्ट्रीट है, ये गलियां,
जहाँ पे हम अभी थोड़ा सा चहलकदमी कर रहे हैं, और यहाँ का बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है, ये हर तरफ हर खंभे पे एक लाइट लगा होता है, स्ट्रीट लाइट, जो बड़ा ही मनोरम दृश्य प्रदान करता है जो हम देख पा रहे हैं दोस्तों। हमारे चारों तरफ चकाचौंध है दोस्तों, और ये थोड़ा ज़्यादा टाइम होने के वजह से सुनसान सा गली हो चुका है, ये आप देख पा रहे होंगे। और कितना ज़्यादा सुंदर सा दृश्य है ये आप अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ लाइट ही लाइट, चकाचौंध ही चकाचौंध पूरी तरह। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। बाय 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 दोस्तों।